नारियल तेल रात में इस तरह लगा लो, चेहरे के साथ आपका पूरा शरीर निखर कर गोरा एंड चमकदार हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ ब्यूटी ट्रीट में। कोई भी चीज स्किन को इंस्टेंटली गोरा नहीं कर सकती, उसे कंटिन्यूसली यूज करना होता है, तब जाकर 15 डेज एंड 20 डेज में आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में कोकोनट ऑयल के साथ एक ऐसा DIY शेयर करने जा रही हूं, जो आपकी स्किन से डर्ट पोल्यूशन को बहुत ही इजीली निकाल कर स्किन को लाइटन कर देता है, साथ ही स्किन पर पड़े दाग धब्बों को भी खत्म करता है और स्किन में ब्राइटनेस लाता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूले। कोकोनट ऑयल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बेजान से बेजान स्किन में भी जान डाल सकता है। जी हाँ, ये आपकी स्किन पर पड़े दाग धब्बों को लाइटन करता है, गड्ढे स्कार्स को रिड्यूस करता है, टैनिंग को हटाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोकोनट ऑयल स्किन को सॉफ्ट स्मूथ एंड सपल बनाता है, लाइटन बनाता है। तो एक चम्मच भर कर मैंने यहाँ कोकोनट ऑयल लिया है। अब बात करें सेकंड इंग्रेडिएंट की, जो कि है लेमन। हमें लेना है सेम क्वांटिटी, एक चम्मच हमने कोकोनट ऑयल लिया था तो एक चम्मच ही हमें लेना है लेमन जूस। लेमन में होता है विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड, जो सांवले से सांवले रंग को निखारने का काम करता है, स्किन को लाइटन एंड वाइटन बना देता है। इसके बाद थर्ड एंड फाइनल इंग्रेडिएंट है आमंड ऑयल, यूनो बादाम का तेल, तकरीबन हाफ चम्मच। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के साथ स्किन को लाइटन एंड टाइटन बनाने का काम करता है, जिससे स्किन हमेशा यंग एंड खूबसूरत बनी रहती है। तो आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करना है और रोजाना नाइट यू नो बेड टाइम सोने से पहले आपने अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन पर एंड पूरी बॉडी पर मसाज करते हुए अप्लाई करना है और सो जाना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉश कर लेना है। ऐसा आप 10 टू 15 डेज लगातार करके देखिए, आपको अपनी स्किन टोन में फर्क जरूर नजर आएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट आने वाली नई नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।